सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई दिवाली नज़दीक आ गई है एंड उसकी वजह से हमारे घर में सफाइयाँ बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई होंगी। ऐसा नहीं है कि पूरे साल हमारे घर में सफाइयाँ नहीं होती हैं, पर दिवाली पास आते ही हमारे मम्मियों के सफाई का पैटर्न थोड़ा बदल जाता है। बस वो सेम चीज़ हम लोग एग्जाम के टाइम पे भी करते हैं कि पढ़ाई तो हम लोग पूरा साल करते हैं, पर एग्जाम जब नज़दीक आने लगते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी एक नई टेक्निक, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाते हैं। उससे हमारा रिविजन भी होता है एंड उससे हम लोग क्वेश्चंस भी लगाते हैं, उससे हम लोग को कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी पता चलते हैं, हम लोग को ओवरऑल पूरी तैयारी हम लोग की होने लगती है एंड ये हम लोगों की तैयारी में एक अलग ही, मतलब बोलते हैं, जान डाल देता है। तो प्रैक्टिस करना PYQs के जरिए बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी तैयारी को जज करने का या फिर तैयारी करने का। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं एक नया सेक्शन विच इज लिटरी मूवमेंट्स। लिटरी मूवमेंट्स हम लोग के पूरे इंग्लिश के सिलेबस का एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब कि इसमें कुछ बहुत अलग टाइप का आपको कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है, वही कॉमन चीजें आती हैं जो इसके अंदर हैं। जैसे लिटरी थ्योरी में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, थ्योरी के बहुत डीप में जाके कुछ चीजें आ जाएंगी, लिटरी क्रिटिसिज्म में भी आप कुछ बहुत डीप में assertion and reason के questions दे देंगे। वेयर एज लिटरी मूवमेंट एक ऐसा सेक्शन है कि एक बार आपने कर लिया, उसके सारे राइटर्स के नाम याद कर लिए आपने, उसकी डेट एंड एरा को याद कर लिया, थॉट को याद कर लिया, उससे रिलेटेड जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि इस मैगजीन से रिलेटेड है आपका ये वाला एरा एंड और भी कुछ चीज़ें हैं उनको कर लिया, उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो लिटरी मूवमेंट्स एक ऐसा सेक्शन है कि एक बार उठाओ उसको, एक बार में लर्न कर लो, डेली रिवाइज करते रहो, आपका लिटरी मूवमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिटरी मूवमेंट में जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई उतनी ही आती हैं, उससे ज़्यादा नहीं आती है। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे एंड ये बात प्रूव भी हो जाएगी, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जाता है एंड प्रोबेबिलिटी है कि आपका हर मूवमेंट हर ईयर में, आपके हर सेमेस्टर में, सॉरी आपके जितने भी शिफ्ट्स होती हैं उसमें आए। भाई इसमें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि अच्छा इस बार ये वाली आई थी तो अगली बार ये वाली आएगी। आपकी जितनी मूवमेंट्स है आपको सारी तैयार होनी चाहिए, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी बात पे हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस देखेंगे कि 2023 के दोनों एग्जाम्स में कौन से एरिया से हमारे ज्यादा मूवमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ओल्ड पेपर्स की तरफ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है 2023 का शिफ्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1, अपार्ट फ्रॉम बर्ट्रांड रच Others who have influenced epic theater are, आपके सामने पूछा गया है epic theater से question, ये जो आपका movement है ये post modern era के अंदर आता है। epic theater एक बहुत ही revolutionary kind of आपका तरीका था theater को प्रेजेंट करने का, जिसके जो आप बोल सकते हैं कि जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इस पर्टिकुलर टाइप के थिएटर को फाउंड किया, इनका नाम है बर्ट्रांड रच। तो सीधा सीधा आपसे नाम पूछा गया है कि एपिक थिएटर जो आपका मूवमेंट चला था, बर्ट्रांड रच के अलावा और कौन से इसमें आपके मेंबर्स थे। तो आपको मेंबर्स के नाम बेटा बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, तभी आप ऐसे मूवमेंट टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने है ये पूरी लिस्ट जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एपिक थिएटर के अंदर कितने राइटर्स थे, इतने आपके राइटर्स थे, इसको आपको उठाना है एंड आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। लिटरी मूवमेंट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, थ्योरी नहीं लगानी है, आपको बस उठाना है, नेम्स लर्न कर लेने हैं, एरा लर्न कर लेने हैं एंड एपिक थिएटर जो आपका थिएटर है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है कि एपिक थिएटर एक ऐसे टाइप का आपका रेवोल्यूशनरी थिएटर बर्ट्रांड रच लेके आए थे जो ट्रेडिशनल थिएटर से बहुत अलग था। ट्रेडिशनल थिएटर्स हमारे कैसे होते हैं, जो हमारे अरिस्टोटल बताते हैं, जो हमारी ऑडियंसेस के इमोशंस को टच करे या फिर उनको एक बहुत ही परगेशन वाली फीलिंग दे, इमोशनली उनको डिजायर्स दिखाई दे, मतलब इमोशंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें तो एपिक थिएटर एक बिल्कुल ही अलग टाइप का थिएटर आया था, जहां पे बर्ट्रांड रच का कहना था कि इमोशंस तो आप बिल्कुल मतलब इमोशंस को वो कम टच करते थे, कहते थे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस वो अपने थिएटर के जरिए पूछने की कोशिश करते थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में थिएटर से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा करते थे एंड सोशल जितनी चीजें चल रही हैं हमारी सोसाइटी में,
उसके बारे में डायरेक्ट आपकी ऑडियंसेस को इवोक करते थे कि भाई आप सवाल पूछो, आप सिर्फ इमोशंस में बहे मत चले जाओ, ये जो आपका थिएटर है वो आपका एपिक थिएटर कहलाता है। तो एपिक थिएटर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले राइट्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट कॉल्ड किचन सिंक ड्रामा। ये 2023 अगेन शिफ्ट वन से क्वेश्चन पूछा गया है। किचन सिंक ड्रामा भी बेटा आपके पोस्ट मॉडर्न एरा का ही मूवमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। आप लोग जब रियलिज्म के बारे में बात करते हो तो आपके दो मूवमेंट्स आते हैं, दो से तीन मूवमेंट्स आते हैं, जैसे एंग्री यंग मैन मूवमेंट हो गया, हमारा किचन सिंक ड्रामा हो गया, मैजिक रियलिज्म हो गया, जो आपकी सोसाइटी के रियलिटीज, हार्श ट्रूथ एंड रियलिटीज के ऊपर बात करता है। तो किचन सिंक ड्रामा के ऊपर मेरी फुल वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब पे ही है, उसको जरूर से जाके देख लेना। यहाँ पे आपसे सिर्फ नाम पूछे हुए हैं कौन से राइटर्स हैं वो इस पर्टिकुलर ड्रामा से एसोसिएटेड हैं, तो यहाँ पे आपको सारे नाम दिख जाते हैं। ऑल्सो अगर आप इनके सारे जितने भी राइटर्स एसोसिएटेड हैं उनके नाम देखना जाते हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। किचन सिंक ड्रामा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये वर्किंग क्लास कंडीशंस के ऊपर बात करता था, आपका सोसाइटी के अंदर जो हार्श रियलिटीज चल रही थी उनके ऊपर ये बात करता है। डोमेस्टिक सेटिंग्स, भाई किचन की जो सिंक होती है वो कहाँ होती है, हमारे घर में होती है। नॉर्मल सेटिंग के ऊपर ये बात करते हैं, कोई अमीरों की या फिर इलाइट कल्चर की ये लोग बात नहीं करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऑर्डिनरी इंसान, एक वर्किंग क्लास इंसान के जीवन में जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो डेली बेसिस पे किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को फेस करता है या फिर उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, उसके बारे में इस पर्टिकुलर ड्रामा के अंदर बात की जाती है। तो ऐसे में आपको बहुत ही नेचुरलिस्टिक डायलॉग देखने को मिल जाएंगे कि अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल को दिखा रहे हो तो आप बहुत ही हाई एंड इलेटेड लैंग्वेज तो यूज नहीं करोगे कि भाई राजा महाराजा के तरीके आपके कॉमन लोग, लेबर लोग बात कर रहे हैं। उनकी जो लैंग्वेज होगी, वो डायलॉग होगा, वो बहुत ज्यादा सिंपल एंड नेचुरल होगा। इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। आप देखते हैं ना, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में कितने इमोशंस होते हैं भाई, बड़े संस्कारों की बात की जाती है एंड उससे रिलेटेड जितना भी रोना धोना होता है, तो इन पर्टिकुलर ड्रामा में आपको बहुत इमोशंस देखने को मिलता है और इन्हीं के जरिए आपकी सोसाइटी और पॉलिटिकल कमेंट्री की जाती है और टैबूज ब्रेक किए जाते हैं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में बात करना बिल्कुल हम लोगों को मना होता है, उनके भी बारे में आपका किचन सिंक ड्रामा बात करता है। तो ये थे आपके कुछ फीचर्स, इस पे फुल वीडियो है, जरूर से इसको जाके देखिए। किचन सिंक ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि है हम लोग के सामने, नेम द ड्रामास विच फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। भाई आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड पे भी मेरी फुल वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले आई है, पूरी 20-25 मिनट की वीडियो है, उसको जाके देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ये एक ऐसा ड्रामा है बेटा जिससे रिलेटेड आपके हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए, चाहे आपके राइटर्स के नेम पूछ लिया जाए, राइटर्स के कौन से वर्क हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे छाटने के लिए पूछ लिया जाता है, उनके जो राइटर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं। सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। अगेन ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी पोस्ट मॉडर्न एरा से ही आया है, तो आप अब थोड़ा सा पैटर्न देख पा रहे होगे कि अभी तक 2023 शिफ्ट के तीन क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और तीनों पोस्ट मॉडर्न एरा से आए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको राइटर्स नहीं बताने हैं, उन राइटर्स के बारे में आपको पता होने चाहिए और उसमें से आपको छांटना है कि उन राइटर्स के जो वर्क थे वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड को बिलोंग करते हैं या नहीं। तो आपको बहुत ध्यान से इस पर्टिकुलर जो सेक्शन को, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को मैंने पूरा कवर किया है, उसको जाके देख लेना है। एब्सर्डिटी के बारे में बात करें तो आप सबको पता है एक ऐसे टाइप का ड्रामा जो फ्रूटलेसनेस ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी, पर्पसलेसनेस और मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, इसके बारे में आपको ज्यादातर उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ बीट जनरेशन। अगेन मेंबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्यादातर, या फिर उनके वर्क से, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। लिटरेरी मूवमेंट एक ऐसा पूरा सेक्शन है ना बेटा, उठाना उसके सारे जितने भी आपके मूवमेंट्स हैं उनके नेम्स जरूर से रख लेना एंड आपके इसमें से 6-7 क्वेश्चन, मतलब 6 × 2 आप 12 करिए, 12 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बीट जेनरेशन के बारे में बात करें तो पूछा है कौन सा इसमें से बीट जेनरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं है।
तो आपकी जो रीता डव है वो आपकी बीट जनरेशन का पार्ट नहीं है। आप में से सबको कमेंट करके बताना है कि बीट जनरेशन के जो मेन मेंबर्स हैं वो कौन से हैं। आप लोग का जिसका भी सबसे पहला ये कमेंट आएगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी, तो जरूर से आप लोग कमेंट करिए। बीट जनरेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट था, अगेन बेटा ये पोस्ट मॉडर्न एरा का ही आपका मूवमेंट है, जो रिजेक्ट करता है मेन स्ट्रीम सोसाइटल नॉर्म्स। मतलब आपकी सोसाइटी में जो उस वक्त चल रहा था ये उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है। एंड अगेन ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ आपका मूवमेंट बन जाता है। ये फोकस करता है अपने ऊपर, फ्रीडम के ऊपर और सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर, सोसाइटी पे नहीं। आपकी सोसाइटी आपको क्या बनते हुए देखना चाहती है, आपकी सोसाइटी आपको संस्कार देना चाहती है, आपकी सोसाइटी आप जो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस करती हैं इनका उससे कोई लेना देना नहीं था। ये अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर एंड अपने पर्सनल फ्रीडम के ऊपर। ये अ डिजायर टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स, आप इसको डीप में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बीट जनरेशन के जितने भी राइटर्स थे वो एक्सप्लोर करते थे आपके अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स को, मतलब ड्रग यूज, अल्कोहल यूज एंड इनका अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ होता था जो ड्रग्स के जरिए इनको मिलता था। हैलुसिनेशंस के बारे में ये लोग बात करते थे, ऐसी कुछ चीजों के बारे में आपको बीट जनरेशन में मिल जाएगा, ठीक है। सेक्सुअलिटी इन टैबूज के बारे में ये बात करते थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी इनके बहुत ओपन होते थे। भाई आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए, सोसाइटी आपकी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट नहीं करती है, आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना नहीं पसंद करती है और ना ही चाहती है कि आप सेक्सुअल टर्म्स के बारे में ज्यादा सोचो या फिर अपनी आइडेंटिटी के बारे में, सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में लोगों को बताओ। तो ये जितने टैबू कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, हमारे बीट जनरेशन के अंदर ये लोग फ्रीली बात करते थे कि भाई मैं अगर एक लेस्बियन हूँ, आई लाइक अ गर्ल, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेक्सुअलिटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द मूवमेंट पोएट्स इंक्लूडेड, आपके अगेन एक पोस्ट मॉडर्न एरा का ही ये आपसे पूछा गया है एंड ये क्वेश्चन अगेन 2023 शिफ्ट वन में है। तो देखो भाई कॉन्टिन्यूसली इतने 4 से 5 क्वेश्चंस हम लोग ने देखे शिफ्ट वन में ही आए हुए हैं 2023 में एंड इतने सारे पोस्ट मॉडर्न एरा से, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पेपर बना रहा था वो पोस्ट मॉडर्न एरा उसने पकड़ा और लाइन से उसने क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। मूवमेंट पोएट्स भी आपके बेटा इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन लोग आपके इंक्लूडेड हैं, तो ए एंड डी इसमें से आपके जो है डोनाल्ड डेवी एंड हमारे फिलिप लार्किन हैं वो आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये आपके सामने मूवमेंट पोएट्स का पूरा नेम्स यहाँ पे आ जाते हैं जो आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं एंड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना, आई विल टेल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है वो है एक्सप्रेशनिस्टिक, आपके एक्सप्रेशनिज्म भी हमारे पोस्ट मॉडर्न एरा का ही मूवमेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि पता नहीं कैसा पैटर्न उन्होंने दिया है 2023 शिफ्ट वन में, सारे क्वेश्चंस पोस्ट मॉडर्न एरा से पूछ लिए। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ऐसा इसलिए भी बेटा क्योंकि आपके मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एरा के जितने भी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आपके मूवमेंट में कुछ नई चीजें निकल के आती हैं। तो आपका यूजीसी नेट जो है वो अब थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहा है, वो आपसे नहीं पूछेगा कि चौसेरियन एरा बताओ, सन्स ऑफ बेन बताओ, वो सबको रटा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग स्मार्टली काम कर रहे हो या अभी भी वही पुराना घिसा पिटा पढ़ते चले आ रहे हो। मुझे भी ये सारी चीजें ऐसे अपने आप से नहीं पता लगती है, व्हेन आई लुक एट द क्वेश्चंस एंड आई सी द लेटेस्ट पैटर्न कि भाई अब ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा से, एंड वही चीज मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक के बारे में पूछा है एंड प्लेस ढूंढने को बोले हैं, नाम भी नहीं पूछे हैं, पूछा है कि इसमें से कौन से ऐसे प्लेज हैं जो एक्सप्रेशनिज्म की आपकी थीम को दिखाते हैं। तो ये आपका आंसर है एंड एक्सप्रेशनिज्म आपका एक ऐसा टाइप का मूवमेंट निकला था जो सबसे पहले आर्ट एंड म्यूजिक में आया था, बाद में जाके आपका लिटरेचर में आया था। ये लोग आपके क्या करते थे, यूज करते थे सिम्बल्स एंड एग्जैजरेशन को अपने इमोशंस को प्रेजेंट करने के लिए। ये लोग आपके फिजिकल रियालिटी को दिखाना नहीं पसंद करते थे कि भैया जो दिख रहा है कि हमें एक सूरज दिख रहा है, मैंने सूरज की पेंटिंग बना दी, हो गया। नहीं, वो लोग उसके किरणों के बारे में बात करते थे, अपनी पेंटिंग को ऐसा एब्स्ट्रैक्ट बनाते थे कि उसके बहुत सारे मीनिंग निकल आते थे। तो इनको कहते थे हम लोग एक्सप्रेशनिस्टिक मूवमेंट, जहां पे आप अपनी इंटेंस डार्क फीलिंग्स और थॉट्स को आवाज देते हो लिटरेचर में भी और अपने आर्ट में भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन आप सब लोग देख रहे होंगे, आप सबको पता है कि अगर आपको इसी तरीके से एक सेक्शन के क्वेश्चंस उठाने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको फुल सेग्रीगेटेड आपके लिटरेचर के सिलेबस के जितने सेक्शंस हैं वो मैंने एक एक करके सेग्रीगेट किए हैं एंड उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो उस
पर्टिकुलर सेक्शन में आए हुए आज तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको एक जगह क्लब होके मिल जाएंगे। ये जो आपको चीज है ना कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, बहुत मेहनत से बनी है, आप जाके चेकआउट करिए। कई सारे बच्चे इनको चेकआउट कर चुके हैं, यूज करते हैं, इन्होंने इस कोर्स को अवेल किया है, उनका बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी जरूर से चेकआउट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं 2022 शिफ्ट वन का क्वेश्चन, 2023 के सारे कंप्लीट हो गए। Who among the following in the article Fleshly School of Poetry attacked the Pre-Raphaelites, especially D.G. Rossetti? D.G. Rossetti हम सब लोग को पता है कि Pre-Raphaelite Brotherhood के founder रहे हैं, इन्होंने start किया है जो एक बहुत ही अच्छा art movement था। तो question आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा writer है जिन्होंने D.G. Rossetti और आपके Pre-Raphaelite Brotherhood को बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया था द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री के नाम से। तो आपका जो आंसर है वो है रॉबर्ट बुचनन। और क्या बोला था इन्होंने, सबसे पहले तो ये जानिए कि डीजी रोसेट्टी हमारे इंग्लिश पोएट है, इलस्ट्रेटर है, पेंटर है एंड ट्रांसलेटर है। इनके साथ साथ इनके विलियम हॉलमैन है, हॉलमैन हंट, देन हमारे जॉन एवरेस्ट मिलियस, ये तीन लोग बहुत ही फाउंडिंग मेंबर्स माने जाते हैं प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के, जो एक बहुत ही आर्ट एंड कल्चरल मूवमेंट चला था, जहाँ पे इन लोग की जो आर्ट बनाने का तरीका था ना वो बहुत ही ज्यादा सेंशुअल था। ये लोग रियालिटी को बहुत ज्यादा दिखाना पसंद करते थे एंड इसीलिए इनकी बड़ी बदनामी हुई। और बिचनन ने इनके ऊपर आर्टिकल लिखा ये कहते हुए रोसेट्टी को कि मॉर्बिड डिविएशन फ्रॉम द हेल्दी फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हेल्दी फॉर्म्स ऑफ लाइफ कौन सी होती हैं कि भैया सेक्सुअलिटी के बारे में बात ना करो, लड़की तो गंदी चीज होती है, एंड ये सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में चलती हैं, जो हमारे पेरेंट्स हम लोग को सिखाते हैं या सोसाइटी में लोग जो ढोंग करते हैं दिखाते हैं कि भाई हम तो बड़े अच्छे हैं, उनके बारे में आप बात ना करो। तो जितने भी मूवमेंट्स इन सब चीजों के बारे में बात करते थे उनको गंदा भद्दा एंड बहुत तरीके से अटैक किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Choose the novels that use magic realism as a tools of narration. I've already told you कि हमारे realism पे भी मेरी full video बनी हुई है, उसको जाके देखना। 6 type के आपके realism होते हैं जिससे आपके अलग अलग movements निकल के आते हैं, उस video को जरूर से जाके आप checkout करिएगा। Magic realism is one of them. Magic realism पे मेरी बहुत ही interesting short भी बनी हुई है जिसमें मैंने magic realism को बताया है, जहाँ पे magic और realism आपका मिल जाता है, इन दोनों के बीच की जो line होती है वो ब्लर हो जाती है, आपकी फैंटेसी और आपकी रियलिटी मिक्स हो जाती है, एंड कोई भी एक ऐसी अनकन्वेंशनल चीज आपको लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मल है, उसको हम लोग कहते हैं मैजिक रियलिज्म। जैसे हैरी पॉटर पूरी सीरीज निकली थी तो बिल्कुल वो लोग दिखाते थे कि हाँ वाकई में ऐसी दुनिया है जहाँ पे ये बच्चे जाते हैं एंड जादू सीखते हैं। मुझे लगता था कि मुझे भी कोई एक दिन लेने आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख के बताना है कि मैजिक रियलिज्म जो आपका टूल है नरेशन का वो कौन से इसमें से जो वर्क्स हैं। तो इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट वो जरूर से जाके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा, बी सी एंड डी आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगेन हमारा ये जो क्वेश्चन है एंग्री यंग मैन मूवमेंट, आई हैव टोल्ड यू ना रियलिज्म के जितने भी फॉर्म्स हैं, एंग्री यंग मैन मूवमेंट, किचन सिंक ड्रामा, देन हम लोग का ये मैजिक रियलिज्म जो हम लोग ने देखा, सोशल रियलिज्म, सोशलिस्टिक रियलिज्म भी आपका एक है, तो उसको आप जरूर से जाके लर्न कर लीजिए, चेकआउट करिए, उनके वर्क्स को एक जगह लिस्ट बना के लिख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एंग्री यंग मैन मूवमेंट से पूछा गया कि कौन इसमें से इसका पार्ट नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन किया गया है ड्रॉप, क्योंकि आपके यूजीसी नेट ने जो आंसर दिया था वो इसका एक्चुअल में आंसर नहीं था। इसमें से कौन, सॉरी, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये ड्रॉप है, इसमें से कौन आपके एंग्री यंग मैन मूवमेंट का पार्ट नहीं है ये आप लोगों को ढूंढ के बताना है, नीचे कमेंट करना है। एक तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बीट जनरेशन के मेन जो राइटर्स हैं उनके नाम लिख के जाना, एंड एंग्री यंग मैन मूवमेंट में इसमें से कौन उसका पार्ट नहीं है वो भी आपको बता के जाना है। थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो, इससे फायदा आपका ही होगा कि आप जब उस चीज को सर्च करोगे और कमेंट में आके लिखोगे तो उसको लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है द मूवमेंट। हम लोग ने मूवमेंट पोएट्स के बारे में पहले भी देखा, देखो फिर से क्वेश्चन आया है। Who among the following coined the term movement? यहाँ पे सीधी सी बात है कि किसने coin किया है, दिमाग नहीं लगाना है, बस जान के आपको लर्न कर लेना है। J.D. Scott ने द मूवमेंट आपका
जो नाम है उसको कॉइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड दैट्स इट, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 10 questions। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला होगा, यूजीसी नेट की लैंग्वेज को समझने में आपको मदद हुई होगी एंड ऑल्सो दैट आप यहाँ पे जाके लिटरी मूवमेंट्स के बाकी सारे क्वेश्चंस को भी लगाना चाहते हो तो जरूर से इसको जाके चेकआउट करिए। सिर्फ लिटरी मूवमेंट्स नहीं, इंग्लिश के हर सेक्शन को प्रॉपरली सिग्रीगेट किया है, ईयर वाइज भी एंड सेक्शन वाइज भी। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। एनटीए नेट के इंटरफेस पे है, टाइमर साथ में मिल जाता है एंड जैसे ही आप पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो उसके बाद आपको एनालिसिस भी मिलती है कि कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत एंड कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट मिस एंड जरूर से जाके इसको चेकआउट करिए। ओके, सो वीडियो गॉट स्टक किसी वजह से, आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा एंड विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑल्सो टेलिंग यू द ऑफर, आपका 2 month ऑफर चल रहा है तो भाई जितनी जल्दी इसको अवेल कर लोगे, प्राइसेस ड्रॉप कर दिए गए हैं क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। पहले ये कोर्स आपका 3 months का था लेकिन अगर एग्जाम आपके 2 months में ही है तो 3 months वाला कोर्स कौन ही लेना चाहेगा, तो 2 months वाले कोर्स के लिए बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की एंड आपके लिए ये बन गया है। प्राइसेस इसके बहुत ही कम है, जरूर से जाके इसको अवेल करिए। सारे डायरेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो कहीं और नहीं जाना, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना एंड यू कैन अवेल एवरीथिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से सेक्शन पे देखना चाहोगे इस पे भी कमेंट करके जाना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करना एंड बाकी दोस्तों से भी शेयर करना, भाई उनका भी कुछ भला होए, उनके भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। सो विद दैट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय।